साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम आपसे आजाद भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आपातकाल के मुद्दे पर बात करेंगे। साथियों, वैसे तो मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, गणित का शिक्षक हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी भी रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे गुरु गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रोफेसर बीएल शर्मा सर, वह एक आंदोलनकारी रहे। उन्हें मैं अपना गुरु ही नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत, आदर्श और अभिभावक भी मानता हूँ। उनके साथ बहुत कुछ सीखा साथियों, बहुत कुछ जाना, और हमें लगता है कि आपको एक कंपटीशन का विद्यार्थी होने के नाते ही नहीं बल्कि देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते समसामयिक मुद्दों पर, देश की बड़ी घटनाओं पर, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी एक सोच विकसित करना चाहिए जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त हो, निष्पक्ष हो, आपको जानना चाहिए। साथियों, इसी कड़ी में आज हम आपसे आपातकाल के मुद्दे पर बात करेंगे। आज़ादी के बाद 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हुई और इंदिरा जी के नेतृत्व में सरकार का गठन। स्वयं इंदिरा जी रायबरेली से सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण जी को पराजित कर चुनाव जीत, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी और उनके नेतृत्व में सरकार चलने लगी। इंदिरा जी का कद उस वक्त इतना बढ़ गया था कि तमाम लोग जो कल तक इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहकर कमेंट किया करते थे, अब बड़ी संख्या में लोग इंदिरा जी को आयरन लेडी और दुर्गा की उपाधि देने लगे थे। इधर सरकार चलती रही और इधर राजनारायण जी जो इंदिरा जी से चुनाव हारे थे, वह उस चुनाव परिणाम के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उस याचिका के माध्यम से उन्होंने इंदिरा जी पर आरोप लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का। चुनाव जीतने में तय सीमा से ज्यादा धनराशि खर्च करने का, वायुसेना के विमानों के दुरुपयोग का और एक डमी कैंडिडेट को चुनाव में रिश्वत देकर उतारने का, ऐसे ही कुछ और आरोप। इधर सुनवाई चलती रही हाईकोर्ट में राजनारायण जी के उस याचिका पर जो उन्होंने इंदिरा जी के विरुद्ध दायर की थी। उधर धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनती गईं देश में कि इंदिरा जी के सरकार के विरुद्ध जगह जगह आंदोलनों की एक बाढ़ सी आ गई। उसी समय गुजरात की सरकार के विरुद्ध युवाओं का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, महंगाई के मुद्दे पर और कुछ स्थानीय मुद्दों पर। स्थिति यह हो गई कि गुजरात ने मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई, गुजरात विधानसभा को भंग करना पड़ा। ठीक उसी समय बिहार में भी जन आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई और उधर जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। एक ऐसी हड़ताल रेलवे की हुई उस समय कि जिसे नियंत्रित करने के लिए
इंदिरा जी को सेना की भी मदद लेनी पड़ी। ये परिस्थितियां एक साथ उनके विरुद्ध चलती रही। इसी बीच 12 जून 1975 को एक साथ देश में दो बड़ी घटनाएं, गुजरात में मध्यावधि चुनाव का जो परिणाम आया वह विपक्ष के खाते में गया, विपक्ष भारी बहुमत से जीत हासिल कर रहा था। ठीक उसी समय दूसरी सबसे बड़ी घटना जो हुई वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण जी की याचिका पर जो जजमेंट दिया उस जजमेंट में उन्होंने राजनारायण को विजयी मान लिया और इंदिरा जी के ऊपर राजनारायण जी द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सही मान लिया। और यही नहीं बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर माननीय न्यायमूर्ति ने इंदिरा जी को अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोक दिया, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद इंदिरा जी हाईकोर्ट के इस जजमेंट से बिल्कुल नहीं डरी और उन्होंने इस्तीफा न देने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि इस्तीफा नहीं देंगे। उस दौर में वह इतनी ताकतवर थी, कांग्रेस पार्टी पर उनका इतना वर्चस्व था, इतनी मजबूत पकड़ थी कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगने के बजाय यह नारा दिया कि इंदिरा नहीं तो कांग्रेस नहीं, सॉरी इंदिरा नहीं तो देश नहीं। इस तरह के नारे कांग्रेस पार्टी ने दिए कि इंदिरा नहीं तो देश नहीं। हां यह जरूर हुआ कि उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मिस्टर वरुआ, उन्होंने इंदिरा जी को एक सलाह दी। उन्होंने यह सलाह दी कि हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई फैसला आए तब तक के लिए मिस्टर वरुआ को इंदिरा जी प्रधानमंत्री बना दें और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला इंदिरा जी के फेवर में आएगा तो मिस्टर वरुआ प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे इंदिरा जी के लिए। यह प्रस्ताव मिस्टर वरुआ ने दिया। ठीक उसी समय संजय गांधी जो इंदिरा जी के सुपुत्र थे उस मीटिंग में उनकी एंट्री होती है और एक किनारे ले जाकर के उन्होंने इंदिरा जी को समझाया कि इस वक्त जहां जिस मुकाम पर हैं आप, आपने जो पावर हासिल किया है, जो पद हासिल किया है, बड़े संघर्षों से आया है और इसको किसी को देना उचित नहीं होगा। इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले जा सकती, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बात इंदिरा जी को समझ में आई। संजय गांधी की बात इंदिरा जी को अच्छी लगी और समझ में आई। इंदिरा जी ने इस्तीफा न देने का फैसला लिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून 1975 को जो फैसला आया उस फैसले में इंदिरा जी को आंशिक राहत तो जरूर मिली लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं मिली। उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो यह था कि इंदिरा जी लोकसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकती हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकती। हाँ ये जरूर है कि प्रधानमंत्री के पद पर बनी रह सकती। साथियों ये फैसला 24 जून को आया। इधर 12 जून को जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया और उधर मध्यावधि चुनाव में गुजरात का जो परिणाम आया उन दो घटनाओं से विपक्ष बहुत उत्साहित हो चुका था, उसको एक नई ऊर्जा नई ताकत मिल चुकी। पूरा विपक्ष तो पहले से ही इंदिरा जी के खिलाफ आंदोलित था और
हाई कोर्ट के जजमेंट और गुजरात विधानसभा चुनाव में विपक्ष की विजय, इन दो घटनाओं ने विपक्ष को बड़ी ताकत दे दी थी। विपक्ष ने आंदोलन और तेज कर दिया था, इंदिरा जी पर हमले और तेज कर दिया था, इंदिरा जी पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ा दिया था। 24 जून को इस जजमेंट के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसके बाद विपक्ष के हमले लगातार और तेज होते गए। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में उस दौर के विपक्ष के सबसे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। और उस जनसभा में जयप्रकाश नारायण जी ने जो कहा, एक नारा दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ये नारा कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की एक पंक्ति में, जिसे कोट किया था जयप्रकाश नारायण जी, बड़ा अपील करने वाला नारा था। और इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण जी ने जो दूसरी बात कही वह ये कि अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने सेना और पुलिस के जवानों का आह्वान किया कि वह सरकार के आदेश को ना माने, सरकार के आदेश की अवहेलना करें। उस सभा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे ही तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उस दौर के दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के मंच पर थे, उनके साथ शामिल थे। ये 25 जून की घटना, उस विशाल जनसभा और जयप्रकाश नारायण जी के नारे, और खास बात जो जयप्रकाश नारायण जी ने कही कि सेना और पुलिस सरकार के आदेश की अवहेलना करे, जो ये आह्वान किया उन्होंने, इस बात से इंदिरा जी बहुत चिढ़ गई, उनको बहुत गुस्सा आया और एक तरह से घबरा भी गई। और इसके बाद इसी बीच इंदिरा जी ने उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो कानून के बड़े जानकार थे, मिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे, उनको बुलवाया और उनसे सलाह ली कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो मिस्टर रे ने जो उनको एडवाइस किया, थोड़ा सा वक्त लेकर के समझ करके 24 और 25 जून के अंतराल में, उन्होंने कहा कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, जो अध्ययन चिंतन करके कानून के जानकार मिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो सलाह दी, उन्होंने कहा कि धारा 352 के तहत सरकार को अधिकार प्राप्त है कि विपरीत परिस्थितियों में आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। यह बात इंदिरा जी को अच्छी लगी और समझ में आई। उसी रात 25 जून की मध्य रात्रि इंदिरा जी ने आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लागू किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल, जैसा कि उन्होंने बताया इंदिरा जी ने, उसकी सहमति, उसके प्रस्ताव पर तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय फखरुद्दीन अली अहमद जी का हस्ताक्षर कराए और आपातकाल की घोषणा कर दी। अगली सुबह मीन्स 26 जून को प्रातः ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा जी आई। उन्होंने देश के नाम संबोधन किया कि प्यारे देशवासियों,
घबराने की कोई बात नहीं है। माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश से देश में आपातकाल लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि जब से वह गरीबों के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए तमाम सारे प्रगतिशील कदम उठाया है इंदिरा जी ने, जैसा कि उन्होंने कहा, तब से तमाम विपक्ष के नेता उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे। साथियों, इस तरह से आपातकाल लागू हो गया, उसके बाद देश के तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, सब गिरफ्तार हो गए। और उस रात जो है 25 जून की रात, दिल्ली के उस तमाम इलाके की बिजली काट दी गई जहां पर बड़े अखबारों के दफ्तर थे, इसलिए ताकि दिल्ली के रामलीला मैदान की जो रैली है, जो सभा है, उसकी खबर आम जनता तक ना पहुंच सके। गिने चुने अखबार जो उस दायरे से थोड़ा दूर थे वही निकल सके उस रात, बड़ी संख्या में अखबार नहीं छप सके। साथियों, विपक्ष के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। पूरे देश में लाखों की संख्या में विपक्ष के नेता गिरफ्तार हो गए। और आपातकाल की घोषणा के साथ ही जो मीसाबंदी का कानून लागू हुआ, सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो गए, स्थगित हो गए। जैसा कि आप जानते हैं, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के अगले 24 घंटे के भीतर उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, लेकिन आपातकाल में ऐसा नहीं, सरकार बाध्य नहीं होती। आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर जो आपातकाल लागू हुआ, उसके बाद देश में लाखों लोग जो विपक्ष के नेता थे या जिन पर जरा सा भी आशंका थी कि वह सरकार विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया, तरह तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। और इसके साथ ही ऐसे तमाम अनाप शनाप आरोपों में लोग जेल गए। हमारे गुरु प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा सर भी, जो गणित विभाग के विभागाध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के गणितज्ञ थे, वो भी जेल चले। इलाहाबाद से एक प्रोफेसर साहब, बड़े विद्वान प्रोफेसर थे, वो थोड़ा हैंडीकैप भी थे, उनको इस आरोप में जेल भेजा गया कि वह बिजली के खंभे पे चढ़ करके बिजली का तार काट करके बेचने में लगे थे, बिजली का तार चोरी कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने कहा, भाई जेल तो भेज रहे हो ठीक है, कम से कम धारा तो बदल दो, कल को लोग क्या सोचेंगे कि प्रोफेसर साहब बिजली का तार चोरी कर रहे थे। लेकिन पुलिस नहीं मानी, जेल भेज। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनको हम लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, गांधीवादी अहिंसक हैं, प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा सर के साथ काम करते रहे, आदरणीय रामधीरज सिंह जी, उनको इस आरोप में जेल भेजा गया कि रेलवे लाइन की पटरी उखाड़ रहे थे। रेलवे लाइन की पटरी उखाड़ने के आरोप में गांधीवादी समाजकर्मी रामधीरज सिंह भी जेल चले। गणित के बहुत ही अच्छे जानकार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में एमएससी किया था, आदरणीय गणितज्ञ धनपत पांडे जी भी जेल चले। ऐसे पूरे देश में साथियों, ये तो मैंने कुछ उन नामों की बात की जिनको हम करीब से जानते हैं, ये लोग जेल चले। बाकी जिनके विषय में हमने पढ़ा, सुना, जाना, ऐसे अनगिनत नाम जेल भेज दिए गए। इसी बीच संजय गांधी जी को ये लगा कि इस आपातकाल के दौरान वह अपने कुछ कार्यों से बहुत जल्दी राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लेंगे एक प्रभावशाली नेता के रूप में। वह कुछ योजनाएं लेके आए, दहेज के सवाल पर, वृक्षारोपण के सवाल पर,
शिक्षा के सवाल पर। ये सब तो मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा जो लेकर के वो आगे आए वो नसबंदी कानून को लेकर के, परिवार नियोजन के मसले पर। उन्होंने आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी का एक अभियान चलाया, लाखों लोगों की नसबंदी की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि तमाम ऐसे युवाओं की नसबंदी की गई जिनकी शादी ही नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई, नसबंदी पहले कर दी। कई ऐसे बुजुर्गों की नसबंदी की गई जिनकी उम्र जो है 70, 75, 80 साल थी, उनकी नसबंदी कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा आदेश दिया गया कि वह नसबंदी का टारगेट पूरा करें। उनको कोटा पूरा करना था, कितनी बड़ी संख्या में कौन कर्मचारी कितनी नसबंदी कराएगी, जिम्मेदारी बाकायदा दी, टारगेट दिया गया। और उस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में सरकारी कर्मचारियों ने बहुत अनाप शनाप तरीके से बहुतों की नसबंदी कराई, कई जगह पति पत्नी दोनों की नसबंदी करा दी गई। साथियों, नसबंदी के इस कानून से, नसबंदी के इस अभियान से जनता में बहुत आक्रोश फैल गया। खैर, यह सब चलता रहा। जनवरी 1977 इंदिरा जी के करीबियों ने, उनके शुभचिंतकों ने उनको राय दी, उनको यह राय दी, यह सलाह दी कि आपातकाल के दौरान जो सरकार ने काम किया है, इस काम का जनता में बहुत अच्छा प्रभाव है और इसी बीच चुनाव करा लिया जाए तो आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी एक बार भारी बहुमत से चुनाव जीत सकती है और आप फिर सरकार बना सकती है। इंदिरा जी को ये बात समझ आई और इंदिरा जी ने जनवरी 77 में चुनाव की घोषणा करवा दी। चुनाव हुआ, चुनाव का जो परिणाम आया उसमें कांग्रेस बहुत बुरी तरह से पराजित हुई। स्वयं इंदिरा जी चुनाव हार गई, संजय गांधी भी चुनाव हार गए और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, इंदिरा जी सत्ता से बाहर हुए। इस तरह से साथियों, मार्च 77 में आपातकाल लागू होने के ठीक 21 महीने बाद आपातकाल से इस देश की जनता को मुक्ति मिली और जनता ने राहत की सांस ली। तो साथियों, यह एक छोटा सा पक्ष था आपातकाल का जिस पर हमने आज आपसे बातचीत की। कोशिश थी कि संक्षेप में आपसे बातचीत की जाए, यद्यप बहुत सारी लंबी कहानियां आपातकाल की। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।